दोस्तों सऊदी अरब में जो ट्राई होती है किस तरीके की होती है, लाइसेंस बनाने के लिए किस तरीके से जो है ट्रेलर को रिवर्स करना पड़ता है और किस तरीके से हम जो है ट्राई पास कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं गुरजीत सिंह विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आओ आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि 90 डिग्री जो ट्रेलर है उसको किस तरीके से रिवर्स किया जाता है। दोस्तों आज जो मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखें, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों देना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज अगर हम एक पिक्चर को देखें, जो पहली हमारी गाड़ी है उसका स्टीयरिंग राइट साइड में कटा है, तो पीछे से जो गाड़ी है कार है वो भी राइट साइड में ही रिवर्स होगी। लेकिन अगर इसके पीछे ट्रेलर लगाया जाए तो वो ट्रेलर जो है लेफ्ट साइड में रिवर्स होगा। इसीलिए कहते हैं कि ट्रक ट्रेलर की जो कटिंग है उल्टी है। आगे को तो चलाना आसान है लेकिन रिवर्स करना का जो पैटर्न है वो बहुत ही अलग है। दोस्तों ऐसे अगर हम दूसरी गाड़ी में देखें, इसका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में कटा हुआ है, तो ये गाड़ी भी रिवर्स करें तो लेफ्ट साइड में ही जाएगी। लेकिन अगर इसके पीछे ट्रेलर हो तो वो राइट साइड में कटेगा, यानी कि जो कटिंग होती है वो बिल्कुल ही उल्टी होती है। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाहता था इस पिक्चर के अंदर। आओ अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। गाइज ये देखिए ट्रेलर जो है, हमारा ट्रक ट्रेलर बिल्कुल पार्किंग के बीच में खड़ा है, दोनों तरफ पूरी पूरी जगह है। यहीं से हम इसको निकालेंगे एल शेप 90 डिग्री में और यहीं लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं, हमको इस तरीके से सीधा ले जाके फिर उसको ड्राइवर साइड में काट लेना है, ठीक है दोस्तों, और 90 डिग्री पे लगाना है और फिर वैसे ही हम उसको रिवर्स करते हुए लाएंगे। और रिवर्स करने का क्या तरीका है यही आज हम सीखेंगे, जो कि ट्राई में और अगर आप सऊदी लाइसेंस बनाओगे तो आपसे इसी तरीके से कहा जाएगा लगाने को। दोस्तों सबसे पहले तो हम पहला गेट डाल लेते हैं, ब्रेक छोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको पहले सीधा जाना है क्योंकि हमारा ट्रेलर लंबा है, जब तक ट्रेलर पूरा पार्किंग से नहीं निकलता हमको सीधे जाना है और उसके बाद ही हमको इसको ये देखिए ऐसे राइट साइड में मोड़ना है, ड्राइवर साइड में। ये देखिए जब ट्रेलर पूरा निकल चुका है तो हमने इसको आगे लिया है और आगे जाके भी हमने इसको बिल्कुल सीधा खड़ा करना है 90 डिग्री में बिल्कुल। ये देखिए ट्रेलर बिल्कुल सीधा हो चुका है। ये देखिए हम कहाँ से कहाँ इसको निकाल के लाए और वापस हमको इधर ही लगाना है इसको। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, हमको रिवर्स लगाना है और ये बात ध्यान रखने कि हमको ट्रेलर जिस तरफ घुमाना है उसके उल्टी तरफ हमेशा स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है। ये देखिए अगर मेरे को ड्राइवर साइड घुमाना है तो मैं कंडक्टर साइड घुमा रहा हूँ। ये देखिए टायर मेरा इस तरफ निकल चुका है, इस तरफ टायर निकला होगा तभी ट्रेलर उस तरफ जाएगा। ये देखिए फिर हम धीरे धीरे रिवर्स करते हैं तो ये देखिए अपने आप जा रहा है। अभी आपने इसको जाने देना है, जब ये आपको लगे कि बिल्कुल सही रिवर्स हो रहा है और अब आपने क्या करना है, अपना अंदाज़ा लगाते हुए स्टीयरिंग को धीरे धीरे सीधा करना है क्योंकि अब ट्रेलर सीधा भी तो करना पड़ेगा ना। तो धीरे धीरे जैसे आप इसको सीधा करेंगे, देखिए मेरा टायर ध्यान से, इसको मैंने दूसरी तरफ काट दिया, स्टीयरिंग को पूरा दूसरी तरफ काट दिया जिससे कि मेरा ट्रेलर सीधा हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमको ट्रेलर सीधा भी करना है जब हमारा ट्रेलर पूरी तरीके से मुड़ जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है पूरा दूसरी तरफ काट के, ये देखिए स्टीयरिंग सीधा हो गया है। तो हमको टायर हमेशा सीधे रखने होते हैं जब ट्रेलर सीधा हो जाता है। ये देखिए जैसे ये टायर देखिए मैंने सीधे कर लिए हैं इस तरीके से। अब आप इसको चाहे तो थोड़ी दूर सीधा भी लेके जा सकते हैं। तो हमेशा गाड़ी खड़ी होने के बाद आपको स्टीयरिंग जो है बिल्कुल सीधा रखना है, तभी आप ट्राई में पास हो पाओगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपने पहले सीधे रिवर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको थोड़ी थोड़ी हो सकता है वीडियो समझ में ना आए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको ज़रूर आप देखें क्योंकि उसमें मैंने डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि किस तरीके से आप ट्रेलर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, पहले आप उस वीडियो को देखें उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी पूरी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हेल्पलाइन मिस्टर सिंह ब्लॉग, और जो लोग विदेश में रहते हैं वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करके भाई आप भी किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देके। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करें, मेरा यूजर नेम है मिस्टर सिंह ब्लॉग्स। चैनल पर नए हो तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, टिल देन बाय बाय।